सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगी 25,000 रुपए की पहली किस्त। यहां से लाडली बहना आवास योजना लिस्ट चेक करें। मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं के लिए सशक्त बनाने हेतु, उनके लिए आश्वासन प्रदान करने हेतु कई प्रकार की सहायताएं कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली लाडली बहना आवास योजना ने मुख्य स्थान प्राप्त किया है। लाडली बहना आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश की बेघर महिलाओं के लिए पक्के मकान का लाभ प्रदान करवाए जाने का कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन 2023 में सफल करवाए गए तथा इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं ने लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किए थे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए यह आश्वासन दिया गया था कि राज्य में विधानसभा चुनाव हो जाने के पश्चात अगर पुनः बीजेपी की सरकार स्थापित होती है तो महिलाओं के लिए इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार के मुताबिक मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनाई गई थी। जिन महिलाओं ने 2023 में आवेदन सफल किए थे वे लाडली बहन आवास योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने का इंतजार कर रही है ताकि उनके पक्के मकान का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ हो सके। इस वीडियो की सहायता से आप लाडली बहना आवास योजना की किस्त से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाडली बहना आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट। लाडली बहना आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश की जिन महिलाओं ने निश्चित तिथि के दौरान आवेदन किए हैं उनके लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए बेनिफिशियरी लिस्ट जारी करवा दी गई है। लाडली बहना आवास योजना के तहत जारी की जाने वाली इस बेनिफिशियरी लिस्ट में जिन महिलाओं के लिए 2024 में आवास योजना का लाभ प्रदान करवाया जाना था उन सभी के नाम क्रमबद्ध दर्ज करवाए गए हैं। सभी आवेदक महिलाओं के लिए लाडली बहना आवास योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट की जांच अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। उसमें आपका नाम दर्ज करवाया गया है तो ही आपके लिए पक्के मकान बनवाने हेतु पैसे की किस्त जारी करवाई जाएगी। लाडली बहना आवास योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट को लाडली बहना योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध करवाया गया है। लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए के मकान का निर्माण करने हेतु सहायता राशि किस्तवार रूप से प्रदान करवाई जाने वाली है। जिन महिलाओं के आवेदन लाडली बहना आवास योजना के लिए स्वीकृत करवाए गए हैं उनके लिए योजना की पहली किस्त 25,000 रुपए जल्द ही प्रदान करवाई जा सके। लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त 25,000 रुपए की होगी। इसके बाद अन्य किस्त मकान की कार्य गति के हिसाब से सभी महिला उम्मीदवारों के लिए प्रदान करवाई जाएगी ताकि महिलाएं निश्चित दिनों के अंदर अपने पक्के मकान का निर्माण करवा सके। महिला के खातों में जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा पहली किस्त स्थानांतरित करवाई जाएगी सभी महिलाओं के लिए सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। लाडली बहना आवास योजना सहायता राशि। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए जिनके लिए अभी तक पक्के मकान की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा 2,50,000 रुपए तक की राशि प्रदान करवाई जाने वाली है। महिलाओं के लिए यह सहायता राशि काफी कारगर साबित होगी जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य की बेघर महिलाएं पक्के मकान की सुविधाएं प्राप्त करके अच्छा जीवन यापन कर सकेगी। लाडली बहना आवास योजना किस्त चेक कैसे करें। लाडली बहना आवास योजना की किस्त चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा। अब आप होम पेज पर मौजूद विकल्प आवेदन भुगतान की स्थिति के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको महिला का आवेदन क्रमांक एवं संपर्क आईडी नंबर को दर्ज करना होगा। अब आपको उपलब्ध कैप्चर कोड दर्ज करना होगा और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजने हेतु ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करना होगा और सर्च बटन पर क्लिक कर देना होगा। आपके सामने लाडली बहना आवास योजना की किस्त भुगतान स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी। लाडली बहना आवास योजना के तहत 2024 में मध्य प्रदेश राज्य की लगभग 4,00,000 से अधिक महिलाओं के लिए आवास योजना का लाभ प्रदान करवाया जाना है। सभी पात्र महिलाएं अपने लिए पक्के मकान बनवा सके। लाडली बहना आवास योजना की किस्त कुछ ही दिनों में रिलीज की जा सकती है। इसके पश्चात सभी महिलाएं अपनी भुगतान स्थिति चेक कर सकती है। दोस्तों, सरकारी योजनाओं की सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। फिर एक सरकारी योजना के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।